और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। मुंबई में हिंदू जन आक्रोश मार्च शुरू हुआ। जन आक्रोश मार्च में हजारों लोग एकत्रित हुए हैं। आपको बता दें कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग को लेकर ये मार्च किया जा रहा है। धर्मांतरण पर भी सख्त कानून लागू हो, ये प्रदर्शनकारियों की मांग है। शिवाजी पार्क से कामगार स्टेडियम तक ये मार्च किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मार्च में आरएसएस, बीजेपी और कई हिंदू संगठन शामिल हुए हैं। मुंबई के दादर इलाके में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया है, जिसके तहत तमाम जो हिंदू समाज के लोग हैं वहां पर इकट्ठा हुए बड़ी तादाद में। सकल हिंदू समाज इस मोर्चे का आयोजक है। हालांकि इस मोर्चे में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल जैसे तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं उनकी यहाँ पे सहभागिता है। बीजेपी का भी इस मोर्चे का समर्थन है और इसके तहत तमाम जो बड़ी तादाद में हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं यहाँ पर दादर में इकट्ठा हुए हैं, हाथों में तख्तियाँ लिए हुए। धर्मांतर कानून को ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में लागू किया जाए। इसके अलावा लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मसले को लेकर भी जन आक्रोश मोर्चा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। भगवा हाथ में भगवा कलर लिए हुए दादर के शिवाजी पार्क से लेकर ये जो मोर्चा है कामगार मैदान तक करीब 4 किलोमीटर की यात्रा है वो तय कर रहा है। इसको देखते हुए सुरक्षा के काफी तमाम व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ तक कि तेलंगाना के जो फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के टी राजा, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और उसी के तहत हिंदू जन आक्रोश मोर्चा जो अपनी मांगे हैं, अपनी मांगों को लेकर ये मोर्चे का आयोजन किया गया है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। जो मोर्चे का रूट है यहाँ पर कई जो रूट को एक तरफा किया गया है। दो आला अधिकारी मुंबई पुलिस के आईपीएस लेवल के, उनको यहाँ पर जिम्मा दिया गया है इस मोर्चे की में किसी भी तरीके की सुरक्षा में कहीं पर चूक ना हो उसकी जिम्मेदारी दी गई है। तमाम जो आला अधिकारी है वो खुद फील्ड पर मौजूद है और अपने तमाम मोर्चे मांगों को लागू करने के लिए 4 किलोमीटर का सफर तय किया जा रहा है। मुंबई के दादर से ये मोर्चा निकला है जो कामगार मैदान तक जाएगा। कैमरा पर्सन कृष्ण ठाकुर के साथ अंकुश जायसवाल, News 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।